नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हम ऑनलाइन स्टडी को लेकर आपके साथ कुछ बातें साझा करेंगे। लॉकडाउन के दौरान बंद शिक्षण संस्थानों द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन स्टडी का तरीका अपनाया जा रहा है। इस तरीके में स्कूल टीचर मोबाइल के माध्यम से बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुँचा रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में समाचार एक्सप्रेस की टीम ने पहले भी एक खबर के माध्यम से लोगों तक संदेश को पहुंचाया था। आपको बता दें कि जिस मोबाइल को लेकर माता पिता अक्सर बच्चों से तकरार करते हुए नजर आते थे कि वह मोबाइल से ना खेले, अन्यथा उनकी आंखों में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन स्टडी के चलते ये ही मोबाइल अब बच्चों के लिए मजबूरी बन गया है। यदि यह कहा जाए कि अब मोबाइल ही स्कूलों को चला रहे हैं तो यह कुछ गलत नहीं होगा। ऑनलाइन स्टडी में वन वे कम्युनिकेशन के चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित है, क्योंकि बच्चे केवल उसी चीज को पढ़ रहे हैं जो टीचर द्वारा उन्हें मोबाइल में भेजा जा रहा है। यदि बच्चे के मन में कोई प्रश्न है अथवा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बड़े बच्चे तो इस ऑनलाइन स्टडी से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे तथा उनके अभिभावक इस स्टडी से प्रभावित नहीं है। कई अभिभावकों ने तो यह कह दिया था कि स्कूल द्वारा लॉकडाउन के दौरान अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस स्टडी को लागू किया गया है, जबकि यह केवल बच्चों और उनके अभिभावकों पर अतिरिक्त भार है। जो अभिभावक अधिक पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए यह स्टडी काला अक्षर भैंस बराबर है। ऑनलाइन स्टडी के क्या लाभ है और इसे कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में समाचार एक्सप्रेस की टीम ने एक कोचिंग सेंटर के संचालक से विशेष बात की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप देख रहे हैं इस समय समाचार एक्सप्रेस। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद है, ऐसे में स्कूलों द्वारा बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए ऑनलाइन स्टडी का सिस्टम लागू किया गया। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर अभिभावकों के मन में कई तरह के विचार, कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, जिनकी हमने पीछे भी लोगों से बातचीत करके लोगों का संशय दूर करने का प्रयास किया था। इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि ऑनलाइन जो है वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि अगर वो टीचर जो होमवर्क बच्चों को भेज रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, वो वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसके बाद वो टीचर असेस नहीं कर पा रहे कि बच्चे उनके दिए गए काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, फॉलो कर रहे हैं नहीं कर पा रहे। दूसरा, जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी शिकायत थी, उनका ये कहना था कि स्कूल अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ऑनलाइन स्टडी का तरीका अपना रहे हैं, लोगों ने उसको भी अनुचित बताया था। तीसरा, उनका ये कहना था कि जिस मोबाइल को उन्होंने स्कूल से दरकिनार कर दिया था, उन्होंने बच्चों को मोबाइल खेलने से मना कर दिया था, वही मोबाइल अब लोगों को स्कूलों को चला रहे हैं। मोबाइल पर बच्चे 6-7 घंटे लगे रहते हैं जिनकी आंखों में दर्द था। लेकिन अब इसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक कोचिंग सेंटर के संचालक मिस्टर संत शर्मा। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, सर ऑनलाइन स्टडी का क्या फ़ायदा है? सर, ऑनलाइन स्टडी में बच्चे के जो है डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बच्चे के कोई डाउट्स, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सर ये नहीं आ रहा समझ, दोबारा करा दो एक बार, सर ये वाली टॉपिक्स का जो है हमारा कुछ रह गया है, पिछला भी हम फॉलोअप ले सकते हैं सर, तो इससे बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है। सर, इसमें ना लगभग पेरेंट्स की कंप्लेंट आ रही है कि इसमें हमारे को काम करना पड़ रहा है, बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो बच्चे 11वीं 12वीं के हैं वो तो ओरिएंटेड बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं 5वीं के, 6ठी के, 4थी के, 3री के, उन बच्चों के साथ पेरेंट्स को और फ्रस्ट्रेट होना पड़ रहा है। सर, करंटली जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो तो +1 और +2 को ही कोचिंग प्रोवाइड करा रहा है, शर्मा कॉमर्स अकेडमी के नाम से है हमारा, और इसके अंदर सर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी को की हमारे पास अभी को फिलहाल कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। अकाउंट्स की तो मोस्ट पॉपुलर है, अकाउंट्स में तो सर बहुत सारे बच्चे हमारे से इंक्लूड है, नियर अबाउट 80 के करीब हमारे स्टूडेंट हैं। हमने क्या किया है उसके लिए एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, बॉयज़ का अलग ग्रुप है और गर्ल्स का अलग ग्रुप है, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। नहीं सर, बाकी बात वो +1 +2 वाले ऑलरेडी मैं आपसे पूछूंगी, वो तो बच्चे ओरिएंटेड हैं। यस सर। लेकिन जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन स्टडी का क्या महत्व रह जाएगा, ऑनलाइन स्टडी उनके लिए कितने कारगर साबित हो रही है? सर, ऑनलाइन स्टडी जो है बच्चों के लिए, जितना ऑनलाइन में बच्चा साथ साथ जैसे टीचर ने बनाया कि बेटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो ABCD जो नर्सरी LKG UKG, उनको क्या है एस टीचर ने बना के दिखाया,
एस बना के, तो बच्चे भी साथ साथ बनाते हैं उसको, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमने टीचर से ये चीज़ आज सीखी है। तो टीचर को भी थोड़ा कम काम कराएं लेकिन अच्छा कराएं, बढ़िया। लेकिन सर ये तो वन वे कम्युनिकेशन हुआ ना, अगर बच्चों को अपनी क्वेरी करनी हो तो वो कैसे क्वेरी करें? तो सर इसके लिए बाद में भी जो जो डाउट होते हैं आफ्टर क्लास के बाद भी, बच्चे अपने पेरेंट्स को, सर मम्मी मेरा ये रह गया, ये वाला डाउट रह गया, तो वो टीचर से कम्युनिकेशंस करके इसके डाउट को क्लियर कर सकते। तो सर मैं आपसे वही बात ही बार बार पूछ रहा हूँ कि इसमें तो पेरेंट्स और टीचर सिर्फ मोबाइल पे लग रह जाएंगे ना, फ्रस्ट्रेशन तो बरकरार है, लॉकडाउन की फ्रस्ट्रेशन है, कोरोना की फ्रस्ट्रेशन है, ऐसे में ऑनलाइन स्टडी की फ्रस्ट्रेशन भी तो एक और फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रही है। सर इस टाइम जो है करंटली, तो अगर टीचर पे ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड करा रहा का हो, पॉसिबल नहीं है, तो एक यू आप जो है एक वीडियो बना ले छोटी सी, जहाँ पे सर जो जिस डाउट सारे उसके अंदर डाउट क्लास जितने भी हैं उसको लिया जा सके, आराम से बच्चा आगे पीछे करके उसको देख सकता है। एक तो बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, इस मेन मकसद में हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, चाहे मोबाइल यूज़ करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन मेन मकसद हमारा पढ़ाई का होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जब लॉकडाउन खुलेगा तो एग्ज़ाम पक्का लेंगे बोर्ड के। अभी हरियाणा बोर्ड के, अभी मेरा जो फोकस है करंटली वो हरियाणा बोर्ड को लेकर है, हरियाणा बोर्ड के अकाउंट्स का पेपर है, जिस दिन अकाउंट्स का पेपर होने वाला था उसी दिन लॉकडाउन हुआ, तो जिसकी वजह से हमारे अकाउंट्स का पेपर अभी बच्चों का रह गया है। तो मेरा पूरा प्रयास है, हर साल मेरे बच्चे 99, 98, 95 मार्क्स लाते हैं, तो इस बार भी मेरा प्रयास यही है कि हर साल की तरह इस साल भी मेरा रिजल्ट पॉजिटिव रहे, अच्छा रहे, ठीक है, बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉप्स स्टेट टॉप करें तो वो बहुत अच्छा। सर जैसे छोटे बच्चे लगातार मोबाइल्स पे हैं, मोबाइल पे स्टडी कर रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, कि आपको नहीं लगता कि मोबाइल की जो इतनी ज़्यादा आदत बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो? शिकायत आ रही है अभिभावकों की कि टीचर्स की वजह से हमारे बच्चों की आंखों में दर्द होने लग गया, ऑनलाइन स्टडी की वजह से आंखों में दर्द होने लग गया, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो अननेसेसरी है कि बच्चों के ऊपर बर्डन है, ठीक है जी, पढ़ाई करनी है, नहीं पढ़ते तो मम्मी से मार पड़ती है, नहीं पढ़ते तो स्कूल में जाने से भी डर लगता है, आंखों में दर्द हो रहा है, अगर बच्चों को इन बिटवीन कोई बीमारी हो जाती है आंखों से रिलेटेड, या आंखों में दर्द की समस्या, जलन की समस्या बता रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सर इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ा कम काम दे टीचर जो है, सबसे कम काम दे, ताकि बच्चे को भी एक अच्छा लगे। ज़्यादा पढ़ाई ठीक नहीं है इस टाइम में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल देखना, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बट काम काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, क्वालिटी आएगी तो बहुत ही अच्छा होएगा। क्या छोटे बच्चे असेस कर पा रहे हैं सर इन चीज़ों को, फॉलो कर पा रहे हैं? सर छोटे बच्चों के लिए अभी हमारे घर में भी बच्चे हैं, ठीक है, मेरी गुड़िया है, उस पर भी मैडम जो है ना छोटी सी वीडियो बना के दिखाते हैं, बेटे ए ऐसे बनाना है, बस आज आपको एक ही प्रैक्टिस करनी है। सर कई स्थानों पे कनेक्टिविटी, ऑडियो कनेक्टिविटी स्लो है, वीडियो कनेक्टिविटी स्लो है, तो वहाँ तक ये ऑनलाइन स्टडी की सुविधा कैसे पहुँच पाएगी? सर आजकल जो है इस, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि कनेक्टिविटी कम है, बट सर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो डाउनलोड हो गई, इसलिए इसके लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकते। सर ये थे हमारे साथ कोचिंग सेंटर के संचालक संत शर्मा जी, इनका ये कहना है कि जो बड़े बच्चे हैं, जो ओरिएंटेड बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन स्टडी बेहतर है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न भी अपना पेपर भी लिए जाएंगे, उनके टेस्ट भी लिए जाएंगे, लेकिन जहाँ तक छोटे बच्चों का है, छोटे बच्चों के लिए समस्या, इनका ये भी कहना है, उनकी अपील ये भी है कि छोटे बच्चों को कम से कम काम दिया जाए, स्कूल वाले कम से कम काम दे, ताकि बच्चे उसको इजीली असेस कर पाएँ, ऐसी और टीचर्स भी उसको इजीली फॉलो कर पाएँ, फ्रस्ट्रेशन ना निकले, ये बात है। तो मैं तरुण मदान सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी साथ एक बार फिर से सभी स्कूल व संचालकों को ये अपील करना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टडी जहाँ तक उचित हो वहाँ तक ही करवाएँ, अननेसेसरी बच्चों के ऊपर बर्डन ना दें, क्योंकि लगातार 6 से 7 घंटे तक मोबाइल खेलने, मोबाइल पर लगे रहने की शिकायतें हमारे तक पहुंची हैं अभिभावकों के द्वारा। हम फिर भी अपील कर रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी को जहां तक हो सकता है अभिभावक अपने संयम बरतें, काम बच्चों से कम लें, स्कूल वाले बच्चों से कम काम लें। तो मेरी फिर एक बार अपील है कि छोटे बच्चे मासूम होते हैं, मासूमों के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि उनकी आइस पर भी इफेक्ट पड़ता है, उनके दिमाग पर भी इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पर ही निकलती है। मैं तरुण मदान सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।